हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड, और हम भी अच्छे हैं। और अभी हम आए हैं खेत में, ये देखिए चना का साग लेने, थोड़ा सा चना का साग लेने आए हैं फ्रेंड, क्योंकि चावल वाला आटा में डाल करके बनाना है, जिसको हम लोग सघर बोलते हैं। तो अभी आए हैं चना का खेत में और साग खोदते हैं। सारा साग तो फूल पकड़ लिया है, सारा चना का साग में, तो देखते हैं जिसमें फूल नहीं होगा उसी में खोटेंगे। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा चाहिए। तो चलिए थोड़ा खोट लेते हैं, उसके बाद तो मिलते हैं आप लोगों से। और बाकी आप लोग बने रहिए। और अभी हम खेत में हैं, ये देखिए, और दादी भी हैं वहाँ पे, देखिए वहाँ पे दादी भी हैं। और ये हम डलिया लाए हैं, इसी में खोटेंगे। तो इधर देखिए, इधर फूल नहीं है, इधर वाला में फूल नहीं है, बाकी में उधर आप देख सकते हैं पूरा फूल लग गया है। उधर इधर छाँव की वजह से नहीं हुआ है फ्रेंड, ये देखिए ये सब में फूल नहीं लगा है, क्योंकि इधर छाँव हो जाता है ना ये घर की वजह से, तो इसी की वजह से इसमें जल्दी फूल नहीं लगा है। तो इधर ही अभी थोड़ा सा साग को खोटते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा साग थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, बस ऊपर वाला जो डंठल होता है ना उसको खोटेंगे, एकदम हल्का हल्का, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, क्योंकि फिर डंडी उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके वजह से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बस खोटेंगे, जो सॉफ्ट होता है मुलायम वो वाला साग को खोटेंगे थोड़ा थोड़ा। तो चलिए जल्दी से पहले खोट लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ फ्रेंड। और बाकी आप देख सकते हैं इधर हम खोटने के लिए स्टार्ट भी कर दिए हैं, ये देखिए। तो हम लोग खोटना बोलते हैं, बाकी आप लोग क्या बोलते हैं हमें पता नहीं है। तो हम लोग तो इधर साग को खोटना ही बोलते हैं, जैसे ऐसे इसको ऐसे काट दिए, इसको ऐसे, तो इसको हम लोग खोटना बोलते हैं। बाकी आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम भी तो जाने कि आप लोग क्या बोलते हैं क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं फ्रेंड, और बाकी और नाम भी नहीं जानते हैं दूसरा की और क्या बोलते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा पिल्लू भी, हाँ अच्छा, तो दादी गैया का बच्चा को खोलने के लिए बोल रही हैं, वो दूध पिलाने के लिए गैया का बच्चा को। तो अभी खोट लेते हैं, उसके बाद जाते हैं। और इधर देखिए, तो इसको ऐसे खोटेंगे फ्रेंड, ये हल्का हल्का ऊपर वाला जो है ये सब, पिल्लू भी हो गया है साग में, देखिए फ्रेंड। हम देखिए इतना सारा साग खोट लिए हैं, और अभी चलते हैं घर। और मटर भी देखिए दादी लगाई हैं, इसको यहाँ पे रख देते हैं। और यहाँ देखिए दादी मटर लगाई हैं इधर, और इसमें फरा भी है, फल भी लगा है, आप लोगों को दिखाते हैं, अभी दाना नहीं हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, मटर लगा हुआ है लेकिन अभी दाना नहीं हुआ है, अभी बच्चा है पूरा। ये देखिए बड़ा वाला मटर है, ये देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है लेकिन अभी बच्चा है, अभी एक भी दाना नहीं हुआ है। अच्छा, तो और इधर देखिए मौसी भी आ गई और इधर बाकी इधर लगाया हुआ है, देखिए। तो इधर आ गई है मौसी, ये देखिए, बुलाए थे उस समय तो नहीं आई, अभी आ रही है। और हमारा साग भी कटा हुआ हो गया, हम वहाँ पे रखे हुए हैं। तो अभी देखिए मौसी जा रही है, अब साग खाएंगी वो भी। हमारा हो गया, ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस थोड़ा ही सा चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा का ज़रूरत नहीं था तो इसलिए। और सेमर देखिए कितना बड़ा बड़ा हो गया, सारा पत्ता अब झड़ने लगा, पतझड़ का मौसम आने लगा फ्रेंड, तो इसी की वजह से सारा पत्ता झड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, और मौसी देखिए उधर जा रही है, हमारा साग भी उड़ रहा है हवा से। तो चलिए चलते हैं, यहाँ देखिए मौसी आ गए, इधर धूप लग रहा है, मौसी यहाँ पे आ गई हैं, और बाकी दादी लोग वहाँ पे हैं बात कर रही हैं। और हम चलते हैं, फिर मुल्ली दिखा रही हैं मुल्ली आप लोगों को दिखाते हैं फ्रेंड तो ये देखिए मुल्ली, उखड़ा नहीं है ना, तो ये देखिए अब हम उखाड़ रहे हैं, देखा है हमसे उखाता है या नहीं
ये देखिए मुल्ली, ये देख सकते हैं मुल्ली। तो कितना मोटा मोटा मुल्ली है फ्रेंड। मौसी कितना हो रही है मुल्ली मोटा मोटा देख के। ये कभी देख कभी देखी नहीं है ना, इसलिए कितना हंस रही है इतना मोटा मोटा मुल्ली। बाप रे बाप, इतना अचार इसका लगा देंगे ना तो अच्छा हो जाएगा अचार। ये देखिए मुल्ली मन का, चलो कितना। ये देखिए फ्रेंड यहाँ भटक, यहाँ पे देखिए तो इसी में आगे जलाएगा ना। और बाप रे, ऐसे तो अंदर में घुसती है कि नहीं, क्या होगा देख लीजिए देख लेना। मैं यहाँ डर लग ऊपर तक, बाप रे बाप ऊपर उतर के। अरे बाप, ओए मैया इतना अंधेरा है, बाप रख एकदम कितना अंधेरा है। बहुत अंदर पूरा अंधेरा, अंदर से देख रहे हैं ना पूरा, तो एकदम बहुत ज़्यादा है। देखिए बाकी यहाँ पे ऐसा घर बन रहा है, घर टाइप का, इसमें ईटा लगेगा ना, आगे जाएगा इसमें, इस सब में आगे रहेगा, चूल्हा बना हुआ है। अच्छा ये चूल्हा है, ये सब चूल्हा है, ये देखिए इतना बड़ा बड़ा। अब ये इसमें कोयला बुझाएगा इसमें। अच्छा इसमें कोयला बुझाएगा, आ रहा है। चलिए चलिए फ्रेंड, बाप रे बाप, धक धक जान करने लगा मेरा तो। देख के धड़कन तेज हो गया है मेरा, अंदर में देखे ना सच में एकदम भयंकर है रे बाप, पूरा एकदम देख ही के अजीब लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं हम लोग, और बाकी इधर रेस भी चल रहा है। तेज हो गया है, धक धक कर रहा है, अंदर में घुसे ना देखे, ऊपर से लगा कि कहाँ आ गए हैं। हम पहली बार ऐसा देखे हैं, कभी ऐसा देखे नहीं थे। सांस बढ़ गया है मेरा डर के मारे, लग रहा है कि कितना हम दौड़े हैं उस तरह से, ना तो फिर नहीं एक होता है कि किसी से झगड़ा किए हैं उस तरह से, मेरा सांस फूल रहा है एकदम डर के मारे, इतना अंदर से। बाप रे, ये देखिए कितना बड़ा सा है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड घर, और बाकी इधर देखिए घर बन रहा है, कच्चा ईंटा का घर बना रहे हैं ये सब रहने के लिए, ये देख सकते हैं। और ईंटा भी है, छोटा छोटा घर बन रहा है। छोटा छोटा घर बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ है कुछ कहते होंगे। चलो चलिए चलिए, ये छोटा छोटा घर बन रहा है, कच्चा कच्चा ईंटा का, जो अभी पका नहीं है, ये सब जितना ईंटा है ये सब कच्चा ईंटा है, अभी पका नहीं है। वो जो चिमनी आप देख रहे हैं वो खड़ा है, उसी में पकेगा, आग जलेगा उसी में। हमारा तो हालत ख़राब हो गया भैया, देखे तो ऐसे ही फर्स्ट टाइम ऐसा देखी हूँ, कभी भी ऐसा देखे नहीं थे हम। एक बार और लगा था भट्टा उधर फील्ड में, तो हम वहाँ पे कभी नहीं गए थे, कभी भी मतलब जा करके हम पास से ऐसे देखे नहीं थे कि इस तरह से मतलब चिमनी होता है और उसमें कोयला वेला जाएगा, आग लगेगा, और बाकी इस तरह से ईंटा उटा बिछा करके लेप ओप लगाते हैं उस तरह से, चूल्हा उल्हा देखे कि कितना बड़ा बड़ा चूल्हा बनाया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड बाकी देख लिए, आज ये भी हम देख करके सच में दिमाग ना, हमको लग रहा है ना कि हम कहीं से झगड़ा करके आ रहे हैं, उस तरह से मेरा एकदम सांस फूल रहा है डर के मारे। हम भैया चलिए घर चलते हैं, और बाकी अभी नदी में है ये देखिए, और पीछे से सारे लोग आ रहे हैं, वो सब काम करके आ रही हैं अपना।
तो चलिए आप लोग भी बने रहिए और घर चलते हैं। सो फ्रेंड, हम आ गए हैं घर और ये देख सकते हैं हमारे पीछे साइड का हाल, पूरा पत्तझड़ का मौसम आ गया है फ्रेंड ना, तो पूरा पत्ता ये देखिए कैसे पूरा गंदा हो गया है। ये देखिए कैसा दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। सुबह ही मैं झाड़ू लगा था और पूरा गंदा हो गया है एकदम, लग रहा है कि महीना दिन से झाड़ू लगा ही नहीं। ये देखिए कैसा एकदम दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। ठंडा लगने लगा फ्रेंड, और अभी हमारा अमरूद बहुत ज़्यादा अमरूद पका है हम लोगों का। ऐसे तो दिखेगा नहीं, पत्ता सिर्फ दिखेगा, क्योंकि ग्रीन ग्रीन पूरा अमरूद आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, अमरूद यहाँ पे देख सकते हैं कितना लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ है चारों तरफ पूरा पेड़ में। पेड़ तो अमरूद की वजह से झुक गया है, और ये देखिए कैसे गिरा हुआ पूरा पक गया है, ऐसा ही सारा हो गया है, एकदम पिल्ला पिल्ला हो गया है सब। ये देखिए कैसा दिख रहा है पूरा। बहुत ज़्यादा पक गया है फ्रेंड, ये दे देंगे मिट्ठू को खाने के लिए, क्योंकि वही खाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रख देते हैं, और ठंडा बहुत ज़्यादा लगने लगा है फ्रेंड। और हमारा फूल भी देखिए, और खिला हुआ था तो सारा टूट गया, पूजा में चला गया, और फिर से कली निकल रहा है देखिए, तो फिर से खिलेगा, सरस्वती पूजा तक तैयार हो जाएगा। और बाकी हमको तो अभी ही जमाई आने लगा, लग रहा है कि अभी नींद लग जाएगा, तो मैं अभी बैठ गई हूँ। ये देखिए भाई लोग बैठने वाला बना दिया है, तो बैठी हुई हूँ। छत पे नहीं गई हूँ अभी, छत पे मौसी लोग हैं, बहन लोग हैं, सब छत पे घूम रही है। तो हम अभी जस्ट नदी से आए थे, तो इधर ही आ गए थे बगीचा साइड में पीछे, तो अभी हम आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं और चलते हैं फ्रेंड। हमको खाना भी बनाना है, तो सब्जी वब्जी काटते हैं पहले, और देखते हैं क्या बनाते हैं, क्या चीज़ का सब्जी बनता है। तो अभी चलिए आप लोगों को मौसी लोग से भी मिलाते हैं। मौसी लोग भी है, बैठी हुई है छत पे, सारा काम हो गया है। अभी देखिए डस्टबिन भी हमारा इधर है, यहाँ पे देखिए मौसी बैठी हुई हैं, और उधर बहन है घूम रही है वो। चलते हैं फ्रेंड, चिकन आया है, बाबा को खाना है चिकन मटन, डॉक्टर बोले हैं खाने के लिए अंडा वंडा, तो अभी आया है चिकन, तो चलिए बनाते हैं। और भाई लेकर के आया है, तो चलिए देखते हैं। अभी हम सोच रहे थे कि क्या बनाए, क्या चीज़ का सब्जी बनाए, क्योंकि आलू भी खाते ना उग गए। तो चलिए अभी आया है चिकन, तो बनाते हैं चिकन। भाई लेकर के आया है, बाबा मंगाए थे, तो दीजिए। कितना है? आधा किलो है। तो ये देखिए, अच्छा तो बाबा बैठे हैं, बाबा का तबीयत खराब है, तो अभी चलते हैं। ये आया है चिकन, अभी बनाते हैं बाबा का। तो सुखा ही देंगे ना, किरासा वाला। तो चलिए बाबा को बना देते हैं, हाफ के जी आया है बाबा को खाने पर, क्योंकि ज़्यादा खाना भी नहीं है, मसाला वसाला तो हल्का ही डाल करके बनाना है। बाबा बोल रहे हैं कि हल्का मसाला डाल के बनाने के लिए, थोड़ा तीता, क्योंकि तीता थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसकी वजह से। तो चलिए बनाते हैं, खाना बनाने का तैयारी करते हैं। बाकी यहाँ पे रखा हुआ है, और साग भी हम लाए थे फ्रेंड। ये देखिए साग बनाने के लिए छिलका जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे देखिए चावल भी पीस करके रखे हैं। तो चलिए बनाएंगे इसको भी, और पहले बाबा का खाना बना लेते हैं उसके बाद। तो मैं वीडियो को यहीं तक रखती हूँ फ्रेंड, आई होप कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर ज़रूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।